मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छे। आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उस कहानी में दो बहनें थी, ठीक है। और कहानी का नाम है एक की दो की। क्या नाम है? एक की दो की। एक का मतलब एक की, दो का मतलब दो की। तो एक या दो क्या है ये, चलो इस कहानी में पढ़ते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली। क्या नाम था? एक केस वाली। और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। क्या नाम था दूसरी का? दोन केस वाली। केस का मतलब क्या होता है? बाल। बाल। और एक केस वाली मतलब एक बाल वाली, और दोन केस वाली मतलब दो बालों वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक ही बुलाते थे। और दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। क्या थी? घमंडी। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोकी बुलाते थे, ठीक है। अब दोन केस वाली जो थी उसको घमंड क्यों था? क्योंकि उसके दो बाल हैं। क्योंकि उसके दो बाल हैं और उसकी दीदी के कितने बाल थे? एक। एक। अम्मा सोचती थी कि दोकी जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती। एक दिन एक की जंगल में गई। कौन गई? एक्की। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। क्या था? सन्नाटा। अचानक उसने एक आवाज सुनी। पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक्की रुकी और चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। चित्र में दिखाई दे रहा है तुम्हें कुछ? यस सर। अब ये मेहंदी का पेड़ है और एक्की इसके ऊपर कुछ डाल रही है। डाल रही है ना? यस सर। झाड़ी को क्या लगी थी? प्यास। प्यास। तो देखें आगे क्या होता है। पास ही में पानी की धारा बह रही थी। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार दो बार कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। इसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया, उसे आजाद कर दिया, है ना। चित्र में दिखाई दे रही है गाय, है ना। और वह एक्की उसको घास फूस खिला रही है ना। फिर गाय ने क्या किया? धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहां जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। अच्छा, वह हैरान क्यों हुई एक्की? क्योंकि उसे जब जैसे ही बूढ़िया ने बोला ना कि मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, तभी वह हैरान थी कि बुढ़िया क्या मुझे को पहले ही जानती थी कि मैं वहां पर आऊंगी, है ना। इसलिए एक्की क्या हो गई? हैरान हो गई। झोंपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कुछ? यस सर। क्या दिखाई दे रहा है?
एक बूढ़ी अम्मा और एक लड़की। लेकिन एकी के तो एक बाल नहीं है, इसमें तो बहुत सारे बाल दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा। नहीं नहीं, अम्मा ने पुचकार कर कहा। अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ, एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा दूध दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। कैसे मदद की थी? उसने खाना खिलाया था, उसको घास फूस इकट्ठा करके उसको खिला दिया था, है ना। और क्या हुआ, झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। क्यों दी झाड़ी ने मेहंदी? क्योंकि उसने भी उसकी मदद की थी। कैसे मदद की थी? उसके ऊपर पानी डाला था। यह उसको पानी डालकर उसकी प्यास बुझा दी थी, है ना। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। क्यों भागी? क्योंकि क्योंकि वह बहुत घमंडी थी। घमंडी तो थी, लेकिन जंगल की तरफ क्यों भागी? क्योंकि वह ये समझती थी कि जैसे एकी के सिर पर बहुत सारे बाल आ गए हैं, अगर मैं वहां जाऊंगी बुढ़िया के पानी में नहाऊंगी तो मेरे सिर पर भी क्या होगा, बाल आ जाएंगे, बहुत सारे बाल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वह जंगल की तरफ बिना कुछ देखे बिना कुछ ज्यादा सुने दौड़ पड़ी। और फिर क्या होता है, दोकी इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी, क्योंकि रास्ते में उसे गाय मिली होगी, उसने भी कहा होगा मुझे प्यास भूख लगी है, या मुझे प्यास लगी है झाड़ी ने भी कहा होगा, लेकिन उसने दोनों की बातें नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उसे तो सिर्फ नहाने जाना था ना, कि मैं नहाऊंगी और मेरे सिर पर बहुत सारे बाल आ जाएंगे। वह तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोकी के दो ही बाल थे और वह भी झड़ गए थे। तो दोकी क्या हो गई? वेरी गुड। इसका मतलब तुम कहानी ध्यान से सुन रहे हो, है ना। हाँ, ऐसे ही ध्यान से सुननी है। और आगे रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की थी। और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। क्यों? क्योंकि उसने भी उसकी मदद नहीं की थी। उसने उसकी भी मदद नहीं की थी। और आगे क्या हुआ, मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एकी दोकी अपने अब्बा और अम्मा और बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी। वेरी गुड। तो आगे भी ऐसी ही कहानियों को अगर सुनना है और देखना है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी इसका आनंद उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।